परमेश्वर का नाम की महिमा हो। मॉर्निंग डू में आप सबका स्वागत। निर्गमन का पुस्तक 33वां अध्याय का 15वां आयत में मूसा ने ऐसे परमेश्वर से कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। क्या कहते हैं मूसा? प्रभु आपका उपस्थिति अपना साथ में आना चाहिए। परमेश्वर का उपस्थिति के लिए सबसे आदि जिन्होंने चाहत रखा, उन सभी लोग जो परमेश्वर का उपस्थिति को साथ में रखने के लिए कोशिश किया, उन सभी लोग जीवन में प्रगति पाया है, उनका कामों में कामयाबी हुआ है। दाऊद उसके लिए एक उदाहरण है। दाऊद ने कहा परमेश्वर का भवन में वो रहना चाहते। उनका बहुत बड़ा एक आशा था प्रभु का तंबू में रहना, प्रभु का भवन में रहना। यहोशू के बारे में जोशुआ परमेश्वर का वचन में लिखा है, वो हमेशा परमेश्वर का तंबू के निकट रहते था, तंबू चोट के वो कभी भी जाते नहीं था। मूसा हो, जोशुआ हो, डेविड हो, जितने परमेश्वर का भक्तों में, उन सभी लोग परमेश्वर का भवन में उनका उपस्थिति में रहना चाहते था। शाऊमेल भी इस विषय के लिए उदाहरण है। वचन में लिखा है उन्होंने तंबू में ही सोया, परमेश्वर का उपस्थिति में ही वो रहने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर का बच्चा आप भी ऐसे आशा रखो, मुझे परमेश्वर का उपस्थिति छोड़ के कुछ भी नहीं मांगते। अगर प्रभु आपके साथ में है तो, प्रभु का उपस्थिति आपके साथ में है तो आप भी जीवन में कामयाबी होने वाला है, आपका जीवन भी सफल होने वाला है। प्रभु आपको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।